गाइस वेलकम बैक टू संडे क्यू एंड ए सेशन। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे कल पूछा था कि अगर तुम लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है पीसी हार्डवेयर गेमिंग एंड टेक्ज्ञान रिलेटेड तो बताओ मुझे कमेंट्स में, एंड आप में से करीब 10-11 लोगों ने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव अ शाउट आउट टू ऑल ऑफ दोज व्यूअर्स एंड उनके जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर दूंगा। यू नो वीडियोस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर ऑल ऑफ दोज इन दिस वीडियो। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि अब से सैटरडे को क्यू एन ए सेशन के जितने भी पोस्ट में कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा उसका आंसर ही मैं सिर्फ संडे क्यू एन ए वाले पोस्ट में दूंगा। इसके अलावा अगर आपने इंडिविजुअल वीडियो पे कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर मैं वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा। एंड गाइस अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले तुम लोगों को पता चल सके एंड तुम लोग मेरा कोई भी वीडियो ना मिस करो। फिर मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube ऐप एंड नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम टेक ट्यूब लाइट। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेक ट्यूबलाइट पे। मैं हूं प्रोफेसर टेक एंड मैं बनाता हूं पीसी हार्डवेयर गेमिंग एंड टेक ज्ञान रिलेटेड वीडियोस हिंदी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अगर तुम लोगों को मेरा कंटेंट पसंद हो तो। जस्ट इस वीडियो के रिकॉर्ड करने से पहले वी हैव क्रॉस 2200 सब्सक्राइबर्स एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि तुम लोग मेरे को सपोर्ट करते रहे एंड हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। विल स्टार्ट दिस क्यू एंड ए सेशन। अभिषेक गौतम पूछ रहे हैं कैन यू मेक अ वीडियो बिटवीन एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड एंड एएमडी ग्राफिक्स कार्ड प्लीज एंड देयर परफॉर्मेंस आल्सो। सो गाइस आई कैन मेक अ वीडियो एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड एंड एएमडी ग्राफिक्स कार्ड को लेके, बट द प्रॉब्लम इज कि वो पूरा एक थियोरेटिकल वीडियो होगा बिकॉज मेरे पास ना एएमडी का कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर है ना मेरे पास एनवीडिया का जीटीएक्स 1080 टीआई के अलावा कोई कार्ड है। सो गाइस तुम लोग सपोर्ट करो सो दैट मैं धीरे धीरे करके ये सारे कार्ड्स खरीद सकूं एंड खरीदने के बाद आई कैन मेक अ रिव्यू वीडियो ऑन दोस दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। हाउएवर या आई कैन डेफिनेटली ट्राई ऑफ थिंकिंग अबाउट मेकिंग अ वीडियो जिसके अंदर मैं ये सारे जितने भी ग्राफिक्स कार्ड है उनको परफॉर्मेंस वाइज एंड प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से उसको डिवाइड कर सकूं। सो इफ यू गाइस वांट दैट मुझे कमेंट्स में बताओ सो दैट वी कैन गो अहेड विद दैट। उसके बाद ट्रैप बूस्ट इंडिया लिखते हैं कुछ गिव अवे भाई दे दिया कर। ट्रैप बूस्ट इंडिया ब्रो गिव अवे करेंगे, थोड़ा सा चैनल बढ़ने दो एज एंड व्हेन आई गेट सम अमाउंट फॉर गिविंग अ गिव अवे बिकॉज इट इज ऑल गोइंग फ्रॉम माय ओन पॉकेट। तो मेहनत करते रहूं धीरे धीरे करके जैसे चैनल बढ़ेगा आई विल डेफिनेटली रिटर्न यू गाइस बैक विद सम काइंड ऑफ गुड गिव अवे एंड दिस दैट। नाउ अब सनत मंडल पूछते हैं राइजन 3 2200 जी के आईजीपीयू को A320 बोबो में ओसी किया जा सकता है। इसका आंसर है नो, यू कैन नॉट ओवरक्लॉक राइजन 3 2200 जी के अंदर जो वेगा 8 जीपीयू है उसको। तो गाइस सनत मंडल अपने सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अगर मैं 2400 मेगाहर्ट्ज रैम को A320 मोबो में लगाऊं तो क्या रैम ओवरक्लॉक होगा। तो गाइस आंसर इज 90% ऑफ द मदरबोर्ड्स में ये पॉसिबल होगा बिकॉज A320 चिपसेट जो है वो रैम ओवरक्लॉक जनरली सपोर्ट करते हैं। हाउएवर कुछ ऐसे स्पेसिफिक मदरबोर्ड्स हो सकते हैं जिसके अंदर ये सपोर्टेड ना हो। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट हैव टू चेक XFR सपोर्ट करता है कि नहीं आपका मदरबोर्ड एंड यू कैन गो अहेड विद ओवरक्लॉकिंग द रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवम हवलदार पूछते हैं व्हेन विल कम डाउन इंटेल सीपीयू प्राइसेस। तो गाइस इसका आंसर ये है कि बिकॉज इंटेल अभी तक 14 नैनोमीटर प्रोसेस पे ही बेस्ड अपने सारे सीपीयूज बना रहा है तो बहुत जल्दी इनके प्राइसेस कम नहीं होंगे। एंड व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज इंटेल i5 8400 ले लो 8100 ले लो तो उनके जो प्राइसेस थे वो बीच में हाइप अप हुए थे बट राइट नाउ वो अपर लिमिट पे हैं जहां पे उनको आप इफ यू वांट टू कंसीडर देम यू कैन बाय देम बट कंपेयर टू एएमडी इनके प्राइसेस अभी भी ज्यादा ही हैं। द बेस्ट सीपीयू व्हिच इज देयर i9 9900 के वो अभी 56000 के आसपास का मिल रहा है व्हिच इज टू हाई। एंड उसके अलावा जो मिड रेंज के जितने भी i5 हैं एंड i7s हैं वो डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर यू बाय देम इट इज अवेलेबल। जैसे कि i5 आपको 15,000 से 20,000 के बीच में मिल जाता है, i7 आपको 25,000 से 35,000 के बीच में मिलता है। तो आई डोंट नो एंड आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि इनके प्राइसेस अभी बहुत जल्दी कुछ और कम होने वाले हैं। तो देयर इज योर आंसर, नेक्स्ट कुछ दिनों में भी ये कम होंगे इंटेल जो है वो 14 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर पर शिफ्ट करे उनके कैनन लेक सीपीयूज की तरफ। सो आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल एज ऑफ नाउ। कॉल ड्यूटी पूछते हैं सेटअप टूर कब करोगे। तो गाइस सेटअप टूर मे बी 2-3 महीने के बाद मैं करूंगा बिकॉज आई नीड टू अपग्रेड अ फ्यू ऑफ माई स्टफ लाइक माई कैबिनेट एंड उसका बिल्डअप जब मैं करूंगा एंड आई मेक अ फाइनल सेटअप अपने सिस्टम का तो उस टाइम पे आई कैन डेफिनेटली मेक अ सेटअप टू बिकॉज अभी तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा जो मैंने रीबिल्ड किया था अपने पीसी का उसका लिंक आपको ऊपर दिखेगा तो उसको देख के तुम लोगों को पता है कि मेरे पास आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू कीप माय स्टफ। अभी मेरे पास इतना जगह है नहीं तो दैट इज व्हाई अभी सेटअप टूर करके कोई लॉजिक बनता नहीं है करने का। जस्ट वेट करो 2-3 महीने, मेरे पास अगर थोड़ा बड़ा घर मेरे को मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली मेक अ सेटअप टूर वीडियो ऑन दैट। केबल 07 पूछ रहे हैं 1650 एंड 1660 का अप्रॉक्स प्राइस बता दो। ही मींस GTX
1650 एंड GTX 1660 का अप्रोक्सीमेट प्राइस। तो GTX 1650 जो है दैट इज हम लोग सबके प्राइस अनुसार जो प्राइस लिख हुआ है उसके हिसाब से $179 एंड 1660 $229 के प्राइस पॉइंट पे आएगा। नाउ अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें, बिकॉज इंडिया में इट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस GTX 1050 Ti जिसका प्राइस पॉइंट और कम था, सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज कि ये जो कार्ड्स है हमको 1650 approximately 13 से 17,000 के बीच में लॉन्च होना चाहिए एंड 1660 जो है वो 19,000 से 25,000 के बीच में लॉन्च होना चाहिए। मे बी लोअर 19,000 एंड अपर जो हायर एंड कार्ड्स होंगे वो 25,000 के आसपास जाएंगे। मित्रक धारा इसके बाद पूछते हैं, भाई RX 580 8GB लू या फिर थोड़ा सा और वेट करके GTX 1660 लू? मेरे पास Ryzen 3 2200G है, कौन सा अच्छा रहेगा? थोड़ा फ्यूचर प्रूफिंग भी चाहिए। लव यू भाई। सो मित्रक धारा आई लव यू टू ब्रो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग द चैनल इतना ज्यादा, एंड दैट इज वाई मैं तुम लोगों के लिए ये Q&A वीडियोस बना रहा हूँ, सो दैट आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स वन ऑन वन। सो मित्रक भाई, RX 580 आज की डेट में इट्स अवेलेबल फॉर अराउंड 18,000 to 19,000 रुपीज एंड GTX 1660 भी इसी प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होने की उम्मीद है, बट 99% आई एम श्योर दैट GTX 1660 जो है दैट इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर देन RX 580। सो इफ यू कैन वेट, मार्च में ही इसका लॉन्च डेट है, सो इफ यू वॉन्ट टू वेट यू कैन एंड यू कैन गो फॉर 1660। हाउएवर RX 580 is a good option and if you get a good deal, let's say 15-16,000 के आसपास, तो you can definitely go for that as well। फिर बात करते हैं अंबर कुमार की। अंबर कुमार जी ने पूछा है, Ryzen अभी के processors और आने वाले में क्या फर्क होगा and कब तक आएंगे? तो Ryzen के जो अभी CPUs आ रहे हैं first and second generation के, they are based on 14 nanometer and 12 nanometer FinFET process। Correspondingly इसको first and second generation CPUs बताया गया है। Ryzen के आने वाला जो 3000 series के CPU है, जिस मैंने बहुत अच्छे से cover भी किया है, you guys can go and check that out as well। तो वो जो CPUs हैं, वो 7 नैनोमीटर प्रोसेस पे बनेंगे एंड उसका जो सैंपल हम लोगों को दिखाया गया था 8 कोर 16 थ्रेड वाला CES में, दैट वाज सिनेबेंच में, तो वो i9-9900K को टक्कर देगा। तो दैट इज व्हाई आई थिंक जो Ryzen का जो आने वाला CPU है, इट इज वर्थ वेटिंग, बिकॉज उसमें हो सकता है हमको मेनस्ट्रीम पे ही 12 एंड 16 कोर्स तक CPU में मिले। तो कंटेंट क्रिएटर्स जितने भी हैं उनके लिए तो डेफिनेटली वेट करना बनता है। हाउएवर गेमर्स जो हैं उनको भी काफी फायदा होगा, बिकॉज वो अपने Ryzen 5 एंड Ryzen 3 सीरीज में कोर्स को बढ़ाएंगे। इसी तरह से जो 12 कोर्स एंड 16 कोर्स आएंगे, आई एम क्वाइट 100% श्योर गेमिंग पे इतना ज्यादा फर्क होगा नहीं, हाउएवर कंटेंट क्रिएशन के लिए इट इज डेफिनेटली वर्थ वेटिंग फॉर। सो दैट्स द डिफरेंस ब्रो एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से AMD के CPU के प्राइसेस जनरली कम रहते हैं, सो इट इज डेफिनेटली मार्केट में बहुत ज्यादा चेंज लाने वाला है जब भी ये जून या जुलाई में रिलीज होंगे। डीजी गेमर पूछ रहे हैं, सर आप क्या नेहरू प्लेस का व्लॉग बना सकते हो जिसमें प्रोसेसर एंड जीपीयू के प्राइसेस बता दो प्लीज? डीजी गेमर, मैं नेहरू प्लेस का व्लॉग बना सकता हूँ उसके लिए, बट मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ इट इज नॉट quite possible, as and when मैं दिल्ली की तरफ एक चक्कर मारूंगा तो I'll definitely make a video on that and channel को follow करते रहो, you will definitely get to know about it। Finally, Sorik साहब पूछ रहे हैं, how much is the performance difference between 4GB into 2 and 8GB into 1 RAM? And second question is, which one is a good HDD, Western Digital Blue or Seagate Barracuda? So पहले question की बात करते हैं। Sorik, totally depends on the configuration you are going through। For example, अगर आप Intel का CPU लेते हो और Intel का configuration लेते हो, तो आप उसमें 4GB के दो स्टिक लगा दो या 8GB का एक स्टिक लगा दो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ऑफ कोर्स 4GB के दो स्टिक लगाओगे तो डुअल चैनल मेमोरी आपको मिलेगा एंड डुअल चैनल मेमोरी बिकॉज इट गिव्स दो चैनल्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, तो इट डेफिनेटली प्रोवाइड्स बेटर बैंडविड्थ। हाउएवर द रियल डिफरेंस जो मुझे देखने में मिला है, एंड मेरे चैनल पे उसका एक बहुत ही अच्छा वीडियो है जिसपे मैंने करीब 8-9 गेम्स को ट्राई किया है विद Ryzen 3 2200G, तो उस केस में 2 4GB डेफिनेटली परफॉर्म बेटर देन 1 8GB रैम। एंड ये स्पेसिफिकली Ryzen के जितने भी APUs हैं उस केस में दिस इफेक्ट, एंड Ryzen के जितने भी APUs हैं उस केस में आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइस टू गो फॉर या डुअल चैनल मेमोरी रादर देन गोइंग फॉर 1 8GB स्टिक। हां, ये हो सकता है बहुत लोगों को प्रॉब्लम की 8GB अभी खरीद के बाद में 8GB और ऐड करके 16GB करके डुअल चैनल करो, तो डेफिनेटली यू गाइस कैन गो फॉर दैट। हाउएवर द रियल परफॉर्मेंस डिफरेंस जो है दैट इज अराउंड 35% तक ज्यादा मिलता है जब हम डुअल चैनल रैम का यूज करते हैं, एंड दैट इज बेसिकली बिकॉज जो GPU एंड CPU का जो डेटा है इट bottlenecks आपके सिंगल चैनल रैम को। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस इज अ गुड HDD, वेस्टर्न डिजिटल ब्लू और सीगेट बैराकुडा? सो गाइस, मेरे लैपटॉप का जो HDD था वो है वेस्टर्न डिजिटल ब्लू, एंड मेरा डेस्कटॉप जो 3TB का HDD भी था जो अभी खराब हुआ है, दैट इज अ सीगेट स्काईहॉक, नॉट अ बैराकुडा। सो नाउ द प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू कंपेयर बोथ ऑफ देम। तो गाइस, जिस पे वारंटी ज्यादा मिल रहा है यू शुड गो फॉर दैट। हाउएवर जो जनरल परसेप्शन है उसके हिसाब से वेस्टर्न डिजिटल के हार्ड डिस्क थोड़े से ज्यादा बेहतर है, बट सीगेट का एक अच्छा चीज जो मैं आप लोगों को बताऊं कि
अगर आप लोगों ने मेरा वो हार्ड डिस्क क्रैश वाला वीडियो देखा था, तो उसके बाद सीगेट ने पिकअप लिया है मेरे घर से, वो हार्ड डिस्क लेके गए हैं थ्रू ब्लू डार्ट एंड दे आर गोइंग टू सेंड मी द रिप्लेस्ड वन। तो एज एंड व्हेन इट कम्स आई विल गिव यू मोर डिटेल्स ऑन दैट। सो गाइज चेकआउट द वारंटी, किस पे आपको वारंटी ज्यादा मिलता है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। अगर वेस्टर्न डिजिटल पे एक साल की वारंटी मिल रही है, सीगेट पे 3 साल की, तो गो फॉर सीगेट, बिकॉज 3 साल में कभी भी अगर वो डाउन होता है तो दे आर गोइंग टू रिप्लेस दैट। वहीं पे वेस्टर्न डिजिटल ब्लू का जनरल परसेप्शन इज बेटर, सो टोटली डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड योर प्राइस सेगमेंट। बोथ आर वेरी गुड कंपनीज, बोथ आर वेरी रिस्पेक्टेड कंपनीज, सो जिसके भी तरफ आप लोग जाओगे दे आर गोइंग टू गिव यू गुड यूजर सेटिस्फेक्शन अगर बीच में डाउन होता है। हाउएवर बैकअप रखना बहुत जरूरी है, आई हैव लर्नड इट द हार्ड। एंड बिसाइड दैट सॉरिक ने उनको बोला है लव यू, सो लव यू बैक सॉरिक। एंड आज का फाइनल क्वेश्चन जो है वो सीरियस ओओ ने पूछा है, एंड उन्होंने पूछा है नावी आर्किटेक्चर जीपीयू रिलीज डेट एंड एएमडी थर्ड जनरेशन राइजन प्रोसेसर रिलीज डेट। तो गाइस मैंने अभी अभी 2 या 3 वीडियोस पहले एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने ये बताया था आप लोगों को कि एएमडी बहुत कोशिश कर रहा है कि वो 7-7 ये, बिकॉज 7 नैनोमीटर प्रोसेस है एंड इट इज स्पेकुलेटेड दैट 7 जुलाई यानी 7-7 को ये दोनों जो ग्राफिक्स कार्ड एंड सीपीयूज हैं ये दोनों रिलीज होंगे। हाउएवर नावी आर्किटेक्चर के लिए जो 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर है उसके लिए उनको चिप्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो दैट इज वाई वो हो सकता है लॉन्च कर दे, बट फिजिकल अवेलेबिलिटी मे टेक सम मोर टाइम लाइक मे बी अक्टूबर नवंबर तक। बट एएमडी कोशिश पूरी कर रहा है कि वो 7 जुलाई को ही अपने कार्ड्स को रिलीज करे, साथ ही एएमडी के थर्ड जनरेशन राइजन भी मोर और लेस इट इज कंफर्म दैट वो जून एंड जुलाई के इसी रेंज के आसपास ही वो रिलीज होंगे। सो गाइज आज के Q&A क्वेश्चंस को यही खत्म करते हैं। आई होप तुम लोगों को ये सारे क्वेश्चंस सुन के एंड इसके आंसर्स लेके बहुत मजा आया होगा, बिकॉज मुझे भी मजा आया, काफी रिसर्च किया मैंने एंड आई थिंक आप लोगों के सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर तुम लोगों को ये इस टाइप के सेशन और चाहिए तो बताओ मुझे नीचे कॉमेंट्स में, सो दैट नेक्स्ट सैटरडे या नेक्स्ट फ्राइडे आई विल ओपन अप द कम्युनिटी टैब जहां पे आप लोग मेरे को क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हो एंड आई विल सेलेक्ट द क्वेश्चंस जो भी तुम लोगों को जिसके भी आंसर चाहिए। तो सेकंड थिंग हो सकता है आप लोगों को में से बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि मैं सबको 1-on-1 हर चीज का आंसर दूं एंड उनके कॉन्फिग्रेशन के बारे में डाउट्स क्लियर करूं, बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। सो मेरे पास जो भी टाइम रहता है उसमें से मैं कोशिश करता हूं सबसे बेहतर आंसर आप लोगों को देने के लिए, बट अगर तुम लोगों में से किसी को आंसर नहीं मिलता है तो मुझे यूट्यूब के कॉमेंट्स में बताओ, बिकॉज दैट इज वन प्लेस जहां पे मैं तुम लोगों को 1-on-1 सॉल्यूशन दे सकता हूं किसी भी प्रॉब्लम का। बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो ऑन इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर वहां जाके आप लोगों के आंसर देने में, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट टू रिप्लाई ऑन मोबाइल। सो दैट इज व्हाई गाइस आई थिंक बहुत सारे लोग अगर किसी को मैं आंसर नहीं दे पाऊं तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यू गाइज नीड टू आस्क योर क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब कमेंट्स सो दैट, बिकॉज मैं इसका आंसर जनरली दे देता हूं एंड बिकॉज आई सेट ऑन दिस। सो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ लाइक, अगर नहीं पसंद आया तो गिव इट अ डिसलाइक, एंड अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स विद योर फैमिली एंड जो भी लोग को तुम जानते हो उनको बताओ इस चैनल के बारे में। द चैनल नेम इज टेक्यूबलाइट, आई एम प्रोफेसर टेक। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, स्टे सेक्सी, पीस आउट।